गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन वन, अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशन. सो व्हाट वी विल लर्न इन लेसन वन, हियर इज द समरी ऑफ लेसन. वी विल स्टडी अबाउट लेसन वन, अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशन, रिश्तों की समझ. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. दो तरह का परिवार होता है, छोटा परिवार, न्यूक्लियर फैमिली मीन्स छोटा परिवार, एंड जॉइंट फैमिली मीन्स संयुक्त परिवार. पॉइंट नंबर टू, इन न्यूक्लियर फैमिली देर आर ओनली फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन, बट इन जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स, ग्रैंडमा, अंकल, आंट अलोंग विद फादर एंड मदर लिव विद देयर चिल्ड्रन. न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता और उनके एक या दो बच्चे होते हैं. उसी तरह जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी और उनके बच्चे. इन न्यूक्लियर फैमिली देर आर ओनली मदर एंड फादर, बट इन जॉइंट फैमिली ऑल मेंबर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन. न्यूक्लियर फैमिली में तो माँ बाप ही अपने बच्चों की देखभाल ही करते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में, घर के सारे सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं और उनके बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं. नाउएडेज द जॉइंट फैमिली आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर फैमिली बिकॉज देयर आर मेनी देयर आर इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन, स्मॉल हाउसेस और अदर मेन रीजन्स. आजकल संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, छोटे परिवार में कन्वर्ट हो रही है. उसके मुख्य कारण है, किसी के पास व्यवसाय नहीं है, कोई अच्छी पढ़ाई के लिए गांव छोड़ के शहर जाता है, घर छोटा होने के कारण, मकान छोटा होने के कारण, ये बहुत से मुख्य कारण है जिसके कारण संयुक्त परिवार छोटे परिवार में तब्दील हो रहा है. पॉइंट नंबर फाइव, लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड एडॉप्शन. कोई भी दूसरे बच्चे को अपनाना, नियम कानून के तहत कोई भी दूसरे बच्चे को अपना बच्चा, अपना समझकर अपनाने को हम लोग कहते हैं एडॉप्शन. एडॉप्शन का हिंदी अर्थ होता है गोद लेना. पॉइंट नंबर सिक्स, ग्रेगोर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. दिस कैरेक्टर्स आर नोन एज हेरिडिटी कैरेक्टर्स. ग्रेगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, वंशवंत का जनक कहा जाता है. द फिजिकल कैरेक्टर आर इनहेरिटेड इन चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. शारीरिक जो भी संबंध है अपने माता पिता के द्वारा ही बच्चों में पाए जाते हैं, या तो माता पिता के या ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा ही उनमें सेम आदत कह सकते हैं या हैबिट्स जो पाई जाती है बच्चों में, वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के द्वारा ही आते हैं. एंड दिस कैरेक्टर इज नोन एज, और इसी को कहा जाता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स. फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क रिगार्डिंग डिटरमिनेंट्स ऑफ द इनहेरिटेंस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज. और इसी के न्यू कोड, जेनेटिक्स के बारे में न्यू कोड का जब उन्होंने आविष्कार किया था, वंशतुलता के ऊपर जब डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आविष्कार किया था, और उसी के कार्य के खातिर उन्हें नोबल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था. लास्ट है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ग्रैंडमा, ग्रैंडफादर एंड एनसिस्टर्स. बहुत से ऐसे जीव प्राणी हैं जिनकी विशेषताएं उनके पेरेंट्स, माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स या पूर्वजों से आती है, उनमें आती है. सो लेसन वन की जो भी समरी थी, जो हमने लेसन वन में सीखा, लेसन वन पढ़ के समझा, वो सारा मैंने आपको शॉर्ट वे में बता दिया है. सो आप वीडियो को अच्छी तरह देखिए और इस लेसन को समझने की कोशिश करें. ओके, थैंक यू.